हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डीक्यूपी नंबर 2। देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ए दे रखा है ए टू द पावर एन, यानी सिमेट्रिकली हमें ए स्क्वायर ए क्यूब ये सब फाइंड करना होगा, है ना। ए दे रखा है 1201, बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट सिमेट्रिकल डेटा जो है ये यही होता है पूरे मैट्रिक्स में। ए स्क्वायर निकाल लेते हैं टू गेट ए टू द पावर 3 a 4 अप टू ए एन, तो 1 ये दे रखा है ना, ए इंटू ए। अब हमें सिंपली इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है, ये मल्टीप्लाई कर लोगे ये आ जाएगा 1401। ठीक, कन्वीनियंस के लिए यदि हम ए क्यूब भी निकाल लें, है ना, वैसे तो यहाँ से हमें ऑप्शन आने लगा है, है ना, यदि हम ए क्यूब, है ना, फॉर मोर एक्यूरेसी, ठीक है, हम अपना मन से ए क्यूब निकाल लेंगे, ए टू द पावर 3 दैट इज ए स्क्वायर इंटू ए, तो ये आ गया ए क्यूब का मतलब हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, ये आ जाएगा 601। सो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज ए टू द पावर एन, है ना, यहाँ से देखने से लग रहा है ना, यदि हम ए स्क्वायर निकाले तो 2 × 2 यानी 4, ये आ गया 1 2n 0 1, केवल एक एलिमेंट चेंज हो रहा है ये वाला, ठीक है, ये है 2 × 3, जब हम लिए थे ए स्क्वायर तो ये था हमारे पास 2 × 2, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो ये आ रहा है ऑप्शन ए, यहाँ गलती से ऑप्शन डी भी वही है, तो आप क्या करना, ए या डी में से किसी एक को 2 to the power n लिख दिया जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 उससे भी ज़्यादा आसान है, ए दे रखा है के इंटू ए, यदि हम लेते हैं तो के इंटू ए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सारा एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाता है ना, 0 2 3 − 4, 0 2 3 − 4, दिस इज इक्वल टू, ये दे रखा है हमारे पास 0 3 a 2 b 24, 0 3 a 2 b 24, हमें यहाँ a और b चाहिए, ठीक है, यही दे रखा है ना, अच्छा k a b भी चाहिए, तो यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, k into 0 तो 0 होता है ना, 2k 3k और −4k, दिस इज इक्वल टू 0 3 a 2 b और 24। यहाँ से हम सीधे सारे एलिमेंट इक्वेट कर देंगे, है ना, तो 3a इज इक्वल टू 2k, 2b इज इक्वल टू 3k, जहाँ −4k इज इक्वल टू 24, तो यहाँ से k आ गया −6, अब k −6 आ गया, यहाँ हम पुट कर देंगे a और b आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, तो a आ गया हमारे पास, यदि हम −6 रखेंगे तो −4, देख लेते हैं ऑप्शन k है पहले लिखना है, यानी k इज −6, अच्छा वो तो सारे ऑप्शन में है, a है −4, वो तो एक ही ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन c, सिमिलर फॉर b भी आ जाएगा, है ना। अब देखो
क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ दिए हुए मैट्रिक्स का जीरो कर देंगे, यानी 2+x। तो अभी हमने डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज नहीं किया है, चाहो तो आप यूज कर सकते हो। हम यहाँ सीधे एक्सपेंशन से सोल्व करेंगे। जीरो है ना, अब यहाँ से हमें एक्स निकाल लेना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2+x टाइम्स 5-2 यानी 3, माइनस 3 टाइम्स ये और ये ख़त्म, यानी -5 -2x +4 टाइम्स ये ख़त्म हो जाएगा, तो 1+x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया है 6+3x+15+6x+4+4x, सिंपल हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 3x 6x-13x+6+15 21 यानी 25। सो एक्स इज इक्वल टू -25/13। बेसिकली दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ कैलकुलेशन। ओके, नाउ फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमने वैसे आगे इसके लिए अलग भी मेथड बताया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, ए क्यूब निकालेंगे और हम सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ए दे रखा है हमें, ऑप्शन वाइज ही देख लेना, 110, 121। यहां से अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर का मतलब सेम वही 110, 121, 210, फिर 110, 121 और 210। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1+1 यानी ये आ गया 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 1+2, 3 और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0+1+0 यानी 1। सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1+2, 3+2, 5। सिमिलर वे 1+4+1 दैट इज 6, 0+2+0 यानी 2। अब ये आ गया 2+1 यानी 3, फिर 2+2, 4 यानी 4 और फिर आ गया ये 2, हम रो 2 कॉलम कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। 2 यानी 0, 1 ये आ गया आपका ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर आ गया है यहाँ पर, अब हमें और अभी सोचना है ए क्यूब, है ना। नाउ ए क्यूब इसका एक अल्टरनेटिव मेथड हमने क्लास में, कल के क्लास में बता रखा है, ठीक है, आप उसको देखेंगे तुरंत हो जाएगा। इतना ए क्यूब वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है। ए क्यूब का मतलब फिर से ए स्क्वायर
ये ए स्क्वायर है इंटू ए, ए का मतलब 110 121 210। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर ऑप्शन वाइज चेक कर लेंगे, है ना। फाइंड, इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद करो। फाइंड दिस एंड चेक ऑप्शन वाइज, ओके। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी 5। फिफ्थ में क्या है, द मैट्रिक्स दिस इज नॉन सिंगुलर, है ना। नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिटरमिनेंट हमने निकाल लिया, ठीक है। तो 2λ-4 -1 3 4 1 -2 -3 का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से अब सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेट करने के लिए हमें अभी प्रॉपर्टी हम नहीं लगा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो 2 times -9 + 8 यानी -1, ठीक है। -λ times first row एंड सेकंड कॉलम ख़त्म हो गया, तो ये 3 - 4 यानी -1, -4 है ये। थर्ड रो मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ख़त्म, तो 2 - 3 यानी -1 नॉट इक्वल टू 0। तो -1 तो देखो तीनों में है, है ना, ज़रूरत तो है नहीं वैसे। तो ये आ गया -2 + λ + 4, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू -2, ऑप्शन आ गया ए। सेम वही दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में भी, हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो हमने बता रखा है a² + b², है ना, फॉर्मूला याद है ना, a + b² = a² + b² दिस इज गिवन, ठीक। हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है। इसका फॉर्मूला होता है ab + b दिस इज इक्वल टू a² + b² तो यहाँ से ab + ba 0 ना, नल मैट्रिक्स, तो ए बी अब हम यहाँ पुट कर देते हैं, है ना। हमारे पास ए बी है यानी 1 - 1 2 - 1, फिर a₁ b-1, प्लस बी ए, सेम वही ab₁ - 1 और 1 2 - 1 - 1 दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स यानी 0 0 0 0। नाउ यहाँ से अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ रहा है a - b, ठीक। फिर 1 + 1 यानी 2, फिर है 2a - b और फिर है 2 + 1 यानी 3। ये है a + 2, फिर है -a - 1, फिर है b - 2
और फिर है माइनस बी प्लस वन। इज इक्वल टू जीरो 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 जीरो। यहाँ से हमारे पास आ गया, तो ये अब ऐड कर देंगे है ना, ये दोनों यदि हम ऐड कर देते हैं तो सारे एलिमेंट इस तरीके से ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास a माइनस बी प्लस ए प्लस टू यानी टू ए माइनस बी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो हो गया। फिर टू माइनस ए यानी वन माइनस ए इज इक्वल टू जीरो हो गया। यहाँ से टू ए माइनस यानी टू ए माइनस टू जीरो हो गया। और थ्री यानी फोर माइनस बी जीरो हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, ए इज इक्वल टू वन और बी इज इक्वल टू फोर है ना। हम देख लेंगे चारों सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, तो हो रहा है ना। सो ए इज वन बी इज फोर, दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। इसमें भी सेम वही है ना। सेवन्थ में हम क्या करेंगे, ए दे रखा है तो थ्री माइनस फोर माइनस फाइव टू है, ए स्क्वायर देख लेंगे है ना। थ्री माइनस फाइव माइनस फोर टू और थ्री माइनस फोर टू ये होगा तो ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा इसमें है ना, हम मल्टीप्लाई कर लिए तो ये नाइन प्लस ट्वेंटी यानी ट्वेंटी नाइन। फिर माइनस फिफ्टीन माइनस टेन माइनस ट्वेंटी फाइव ठीक। और फिर है माइनस ट्वेल्व प्लस एट, मतलब सॉरी माइनस ट्वेल्व माइनस एट माइनस ट्वेंटी। और फिर है ट्वेंटी प्लस फोर ट्वेंटी फोर। तो यहाँ से ए स्क्वायर आ गया। नाउ ए स्क्वायर माइनस फाइव है ना, पुट कर देंगे आ जाएगा आंसर। तो ए स्क्वायर यानी ट्वेंटी नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी और ट्वेंटी फोर में माइनस कर दिए फाइव ए यानी फाइव टाइम्स ए पाँच से मल्टीप्लाई कर दिए तो फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी और टेन। तो ये आ गया फोर्टीन जीरो जीरो फोर्टीन, दैट इज फोर्टीन आई है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट। सेम वही है ना, ए दिया हुआ है, हम ए स्क्वायर निकालेंगे, कुछ आइडिया लगेगा, हम सारा लिख देंगे ठीक है। तो एट में ए दे रखा है जीरो माइनस वन वन जीरो, और ए सिक्सटीन चाहिए। तो हम यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, जीरो वन जीरो से आ जाएगा हमारे पास जीरो माइनस वन यानी माइनस वन आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जीरो, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और ये माइनस वन आ गया सिमिलरली। देखो हमें यहाँ पर क्या करना है ना, ए का पावर 16 निकालना है, तो हम क्यों ना इवन पावर पर ही चले है ना। ए फोर, ए फोर का मतलब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर है ना। ए फोर
तो यहाँ से आ जाएगा वन, फिर आ जाएगा ज़ीरो, फिर आ जाएगा वन, है ना, नहीं ज़ीरो, और फिर आ जाएगा वन। इसका मतलब ये यही अब रिपीट हो जाएगा, है ना। दैट इज इक्वल टू ए, फोर इंटू ए फोर कर देंगे, यही ए सिक्सटीन आ जाएगा, ठीक है, है ना, सिमिलर है। ए फोर इंटू ए फोर, ए एट आ जाएगा, और फिर उसका भी ए एट करते जाएंगे, यही सारा आते जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 1001, ठीक है। नौ, अब हम यहाँ से देख सकते हैं, नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन देखो। क्वेश्चन नंबर नाइन में ए दे रखा है, ए का पावर हंड्रेड हमें निकालना है। तो ए दे रखा है वन 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 वन, तो ए का पावर हंड्रेड है ना, तो इसके लिए हम ए स्क्वायर निकाल लेंगे, ए स्क्वायर वन 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 वन, वन 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 वन, ये आ जाएगा वन प्लस वन टू, ये भी टू टू टू। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आ गया टू इंटू ए, है ना, टू इंटू ए आ गया। इसका मतलब यदि हम ए क्यूब निकालते हैं तो ये आ रहा है ए स्क्वायर इंटू ए, यानी टू ए इंटू ए, टू ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर यानी टू इंटू टू ए, यानी टू टू द पावर टू इंटू ए। तो जो भी पावर ले रहे हैं उससे एक कम टू का पावर आ रहा है, यानी ए का पावर हंड्रेड दैट इज इक्वल टू 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 द पावर नाइन्टी नाइन इंटू ए, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखो टेंथ को सीधे प्रॉपर्टी, विच इज ट्रू अबाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, दैट इज इट इज एसोसिएटिव, है ना, कम्यूटेटिव तो होता नहीं है। इलेवंथ इन्वर्टिबल, है ना, इलेवंथ में क्या करेंगे, ये तो जस्ट बाय थ्योरम है टेन, इलेवंथ मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल का मतलब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो फॉर इन्वर्टिबल, अब हम इसमें डिटर्मिनेंट रख लेंगे, ये आ रहा है वन जीरो माइनस के टू वन थ्री के जीरो वन का नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ रहा है वन, यानी वन आ रहा है वन, फिर जीरो वाला तो खत्म, फिर माइनस के टाइम्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम खत्म, तो टू माइनस नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये आ गया वन माइनस टू के प्लस के स्क्वायर। तो यहां से
ये आ रहा है k माइनस वन का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, यानी k नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। ये यानी k वन के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। तो k इज इक्वल टू वन दिया हुआ है, है ना। यानी k इज इक्वल टू यदि हम जीरो रखेंगे तो ये इन्वर्टेबल हो जाएगा, है ना। k यदि वन रखेंगे तो भी ये इन्वर्टेबल नहीं होगा, माइनस वन के लिए भी हो जाएगा। तो ये इसमें ऑप्शन में क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू वन पर नॉट इन्वर्टेबल है, यानी जीरो इस ऑप्शन के लिए, है ना। सी हो जाएगा और बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये दिया हुआ है दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से x और y आ गए, x इज इक्वल टू टू, y इज इक्वल टू भी टू ना, 2x प्लस जेड सेवन आना चाहिए, यहाँ से z आ गया 3, 2z प्लस w इज इक्वल टू 10, यहाँ से W इज इक्वल टू फोर, ठीक है। यानी सारे आ गए, टू टू एक्स वाई जेड डब्लू, टू टू थ्री फोर, टू टू थ्री फोर ऑप्शन ए। फिर कह रहा है 13 में सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो डिटर्मिनेंट का मतलब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस फोर, तो यहाँ से आ गया ए इज इक्वल टू प्लस माइनस टू, ठीक है। अब ओ ए स्क्वायर क्यों लिखा हुआ है, गलत हो गया, जो दिया हुआ है उसका ही हमने गलत डिटर्मिनेंट निकाल लिया, हमें लगा ये ए ए, तो फिर से लिख लेते हैं ए टू टू फोर का डिटर्मिनेंट जीरो, यानी फोर ए माइनस फोर ए इज इक्वल टू वन। नेक्स्ट और आसान है क्वेश्चन 14 में, ए दे रखा है आई यूनिट मैट्रिक्स, ए स्क्वायर बताना है बस, ए स्क्वायर दैट इज टू माइनस वन माइनस वन टू, टू माइनस वन और टू, तो ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ रहा है 4 प्लस 1 यानी 5, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा माइनस टू दैट इज माइनस 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस टू माइनस 4 और ये आ गया 5, यही है ना। तो हम इसको ए में क्या लिख सकते हैं, है ना, देखा जाए 2a है या 3a है। यदि हम 3a लिख देते हैं और देखो ऑप्शन वाइज, है ना, ए स्क्वायर इक्वल्स, है ना, तो सभी में a है 2a है। यदि हम ऑप्शन वाइज इसको चेक कर लेते हैं, देखो a माइनस आई ए प्लस आई तो नहीं होगा, तो 4a है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस 4 माइनस 4 4 प्लस 1 0 0 1 लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 2a, है ना, 2a नहीं 4 है, गलत हो गया,
हमें लिखना है माइनस फोर, यानी इसको हम लिख देते हैं, आई भी हमें लिखना होगा, है ना। तो आई में ये तो हो गया गलत, यानी आई में हमें ये नहीं बदलना है, है ना। तो माइनस फोर है तो हम एट लिख लेते हैं, एट माइनस फोर, माइनस फोर एट। ऐसा क्यों किया? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स सेम वही रहने चाहिए, है ना। माइनस थ्री जीरो जीरो थ्री लिख सकते हैं। तो सोचना होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ये फोर टाइम्स ए है माइनस थ्री टाइम्स आई, ये आ गया आंसर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पी और क्यू सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है, है ना। माइन मतलब आई जीरो माइनस आई, जीरो माइनस आई आई, और माइनस आई आई जीरो। सिंपली हमें इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है। क्यू क्यू है माइनस आई आई जीरो जीरो, आई माइनस आई, अब यहां से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना। माइनस आई स्क्वायर जीरो और माइनस आई स्क्वायर, माइनस आई स्क्वायर जीरो और माइनस आई स्क्वायर, माइनस आई स्क्वायर इज वन, है ना। आई स्क्वायर होता है ना माइनस वन। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दैट इज आई स्क्वायर और प्लस आई स्क्वायर माइनस टू। सिमिलरली ये हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आने लगा, टू और माइनस टू, है ना। अब सेकंड रो यानी टू माइनस टू आ गया, बस एक ही तो आ रहा है, यानी अगला आ जाएगा माइनस वन और वन, और तीसरा आ जाएगा माइनस वन और वन। ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये हो गया।